रेल यात्री ध्यान दें, अब रेलवे स्टेशनों पर भी आपको दवाई मिलेगी। अगर अचानक आपकी या फिर आपके अपनों की तबीयत खराब हो जाती है तो अब रेलवे स्टेशन पर जाकर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अब आपको आसपास नजर घुमाने पर ही दवाई का काउंटर दिख जाएगा। दरअसल इस कदम के साथ ही लाखों रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। ट्रेन में सफर के दौरान कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है जब दवाई का सेवन करना पड़ता है या फिर रेलवे की चिकित्सा केंद्र की मदद तत्काल लेनी पड़ जाती है, लेकिन अब इसमें भी आपको सुविधा मिलने वाली है। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे बड़ा काम होने जा रहा है और कैसे दवाई के साथ साथ ट्रेन में सफर के दौरान आपको आपातकालीन स्थिति में तुरंत ही मदद मिल सकती है। दरअसल रेलवे स्टेशनों पर भी अब जैसा कि हमने आपको बताया है दवाइयां मिल जाएंगी। स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। पहले चरण में पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर, बनारस, लखनऊ और काशीपुर चिन्हित किए गए हैं, जबकि गोरखपुर और लखनऊ के लिए निविदा आमंत्रित भी कर दी गई है। गोरखपुर में केंद्र खोलने के लिए गेट नंबर 4 को चिन्हित किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारतीय रेलवे स्तर पर 50 स्टेशनों पर केंद्र खोले जाने हैं। आने वाले दिनों में सभी प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों को ये सुविधा मिलेगी। यात्रियों को दवाओं के लिए स्टेशन के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद ने एक समान डिजाइन तैयार की है। विश्व स्तरीय स्टेशन गोरखपुर में पिछले 6 साल से मेडिकल शॉप बंद है। इसके अलावा सफर के दौरान तबीयत खराब होने पर रेल यात्री मदद ऐप या फिर हेल्पलाइन नंबर 139 पर मदद मांग सकते हैं। कोच, कंडक्टर और गार्ड से भी हेल्प ले सकते हैं। गार्ड यानी कि ट्रेन मैनेजर के पास फर्स्ट एंड बॉक्स भी उपलब्ध होता है। यात्री की स्थिति गंभीर होने पर रेलवे प्रशासन अगले स्टेशन पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराता है। स्टेशन पर चिकित्सकों की तैनाती तो नहीं होती, लेकिन स्टेशन प्रबंधन पास वाले रेलवे अस्पताल में तैनात चिकित्सक को ऑन कॉल बुला लेता है। जिला अस्पताल से भी चिकित्सकों को बुलाने का प्रावधान है। स्टेशन पहुंचने वाले चिकित्सकों के लिए ₹100 फीस निर्धारित है, तो वहीं यात्रियों को अलग से दवा की कीमत देनी पड़ती है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह का कहना है कि रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र योजना लागू होने से यात्रियों को जरूरी और सस्ती दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी, लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और कई सारी परेशानियां रेलवे स्टेशन पर जो पब्लिक को हो सकती थी या होती हैं उन्हें दूर किया जा सकेगा। बहरहाल कब तक ये काम हो पाता है और लोगों को कब तक इसका लाभ मिल पाता है ये भी देखने वाली बात होगी। पहले चरण में जिन स्टेशनों को चयनित किया गया है उनका नाम हमने आपको बताया और ऐसे ही कई स्टेशनों का चयन किया गया है और इसमें कई स्टेशन शामिल है। जैसे हमने आपको बताया 50 की संख्या में रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाने की बात चल रही है, तो अगर ये काम हो जाता है तो लाखों ऐसे रेल यात्री हैं जिन्हें इसका फायदा मिलने वाला है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।